press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में एक जबरदस्त डिबेट, जहां पे आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे हरिमोहन जी और रोहित शर्मा जी, और पाकिस्तान की तरफ से होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी और मुजफ्फर चौधरी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी दो चीजें, पहला ये आदमी पाकिस्तान के लिए नासूर बनेगा, दूसरा मैं अभी थोड़े दिन पहले सुन रहा था और आपसे भी कुछ मतलब इस मामले में गुफ्तगु हुई थी कि मौलाना तौकीर मसूद नाम है शायद उसका, जिसका सर तन से जुदा का मामला इस टाइम पर दिखाई दे रहा है। अब एक मौलाना जो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता था तारिक मसूद, तो एक पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ऊपर, यूथ के ऊपर एक बहुत बड़ा डोमिनेंस रखता था, इन्फ्लुएंस रखता था, वो बंदा आज के दिन उसका सर तन से जुदा का नारा लगा रखा है, वो कनाडा में बैठा हुआ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, या यूं कहें कि कम से कम वो पाकिस्तान तो आने वाला नहीं है। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि आपके यहां एक ऐसे मौलाना, इन्फ्लुएंशियल मौलाना का स्पेस खाली हो गया था और उसे भरने के लिए जाकिर नाइक, जो हमारे यहां से भागा हुआ है, उसको बुलाया गया, और उसे भी पाकिस्तान चाहिए था क्योंकि वो मलेशिया में बैठ के तो कुछ ऐसा कर नहीं पा रहा था जिससे उसके वीडियोस वगैरह आए या कुछ भी इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि 8 साल हो चुके हैं और 8 साल में उसका कोई खास ऐसा वीडियो नहीं आया जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि मलेशिया के अंदर बैन लगा रखा था कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे। अब उसे एक ऐसी जमीन चाहिए थी जहां आके वो वीडियो बना सके, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और अपना जहर फैला सके, और पाकिस्तान को जरूरत थी ऐसे मौलाना की या ऐसे स्कॉलर की, वो आ गए। क्या दोनों विन विन सिचुएशन में है? और उसके बाद जैसे रोहित भैया ने कहा कि एक दिन आप ही को डसेंगे, भारत में तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि भारत के मौलाना ने इसे बढ़ा रखा था, और इसीलिए जब ये भागा तो किसी को दो आंसू नहीं टपके, लेकिन आप उसे एक तरीके से, सॉरी आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, सरकारी मेहमान कहो या दामाद कहो, वो बना के ला रहे जी आरसू। और यही सवाल मेरा मुजफ्फर भाई से भी होगा। देखिए हरिमोहन जी, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में ऐसा कोई मतलब कोई कमी नहीं है इस तरह के लोगों की कि जिसके लिए हमें जो है जाकिर नाइक को यहाँ लाना पड़े। हाँ, ये हो सकता है कि जाकिर नाइक को मलेशिया से निकलना हो, और जैसे कि सुनने में भी आया है कि भारत की गवर्नमेंट ने मलेशिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है या कहा है कि इनको निकाल दिया जाए। अब ये निकलने के बाद गल्फ कंट्रीज में तो जा नहीं सकते, इसलिए कि गल्फ कंट्रीज जो है वो इस तरह के लोगों को नहीं रखते, साफ इनकार कर देते हैं, भारत ये जा नहीं सकते, यूरोप ये जाना नहीं चाहते, तो फिर डेफिनेटली ये पाकिस्तान में हो सकता है कोई जगह, कोई ठिकाना देखने के लिए आ रहे हो। आपने यकीनन देखा होगा कि, बल्कि आप सभी ने देखा होगा कि ये जो एक भिखारियों का ग्रुप होता है या भिखारियों का जो बिजनेस होता है, ये अपनी जगह दूसरे को नहीं आने देते। हमारे यहाँ के मुल्ला मौलवी भी ऐसे ही है, ये किसी दूसरे को आने नहीं देंगे। अगर कोई निकल गया, जैसे मौलाना तारिक मसूद अब कहने निकल गए, तो वो निकल ही जाएंगे, वहां से वीडियो शीडियो करते रहेंगे और क्या करना है उन्होंने, लेकिन वो किसी दूसरे को नहीं आने देंगे, क्योंकि ये अड्डा, ये जगह, ये प्लेस जो है ये इन्हीं की है, यहाँ कोई दूसरा आके अपनी दुकान नहीं लगा सकता। और ये कुछ भी कर लें, इनको कम तो हम भारतीय ही करेंगे ना कि ये भारत के हैं, तो ये यहाँ के कैसे अपनी दुकान चला लेंगे। तो ये इनका कुछ नहीं होने वाला, इनको सिर्फ और सिर्फ एक तरह से भारत को प्रोवोक करने के लिए मेरे ख्याल है बुलाया गया है। और ये बहुत टाइम से हम लोग बात भी कर रहे हैं कि हमें एक अदद एयर स्ट्राइक की ज़रूरत है बहुत शदीद तौर पे, कि भारत आके एयर स्ट्राइक करके निकल जाए कि जी आपके यहाँ जो है वो बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये है वो है, और उसके साथ ही जो है वो भारत जो चुप बैठा हुआ है उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारे लोगों को, वो कह रहे भाई हम कैसे कहें कि हमें जो है फंड्स चाहिए और भारत हमें खा जाएगा। दूसरी तरफ हालांकि हमने एक दुकान और खोल रखी है, हमारे पास TTP भी आ गया है अब,
और अफगान बॉर्डर से भी अब हमने बिजनेस शुरू कर दिया है। सिर्फ पहले सिर्फ भारत से कमा रहे थे, अब हम दूसरी साइड से भी कमा रहे हैं। लेकिन अब हमें किसी तरीके से आप लोगों को प्रोवोक करने, तरह तरह की स्टेटमेंट दी, यूनाइटेड नेशन में गए वहां बोला, उससे पहले बहुत स्टेटमेंट्स हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो देते रहे हैं, लेकिन पता नहीं मोदी जी ने कानों में रुइयां डाली हैं कि क्या किया है, उनको कुछ आवाज ही नहीं जा रही हमारी। तो अब तंग आकर एक ये आदमी बुलाया गया है, ये आके भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देगा, ये कश्मीर के बारे में बात करेगा, ये कहेगा कि नहीं कश्मीर में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो हालांकि इसकी बात का कोई मतलब नहीं है, इनकी बात को सुनेगा कोई नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ट्राई करने में क्या है। हम लोग कहते हैं ना, चलो भाई ये खबर भी चला देते हैं शायद कोई सुन ले, तो वही वाली बात है कि इसको भी चला के देख लेते हैं शायद कोई फायदा हो जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वरना दुनिया भरी पड़ी है इस तरह के लोगों से, हम क्यों जाकर जाकिर नायक को ही लेकर आएंगे जो वैसे ही चलावा कारतूस जो हमारे यहाँ बोलते हैं उस तरह का आदमी है, फिर इसको खुद उसके घर के लोग नहीं सुन रहे तो उसको हमने क्या सुनना है। और इस तरह की बातें कि जी सारे मुस्लिम जो हैं वो टेररिस्ट होते हैं और किसी को जाके मार दो और फाड़ दो, इस तरह की तो बातें हमारे यहाँ डेली होती हैं। और पहले तो कभी साल दो साल में इस तरह का कोई इंसिडेंट होता था जिसमें लोगों की जान ली जाती थी, अब हमारे यहाँ वीकली होती है। आप अगर जाके चेक करें तो आपको पता लगेगा कभी केपीके में मार दिया, कभी पंजाब में मार दिया, कभी क्या हो गया। तो जाकिर नायक ने यहाँ के हमें कौन सी नई चीज बता देनी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि शायद हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम भारत को प्रोवोक कर लें, और आई डोंट नो हम उसमें कामयाब होते हैं या नहीं। मुजफ्फर भाई आप क्या कहना चाहेंगे, खाली स्पेस भरने आ रहा है या पहले से आपके यहाँ स्पेस है, दुकानदारी चल रही है मौलानाओं की, इसे घुसने देंगे, इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा या जहर रिचार्ज होगा, कंक्लूडिंग रिमार्क फिर रोहित भैया कंक्लूडिंग रिमार्क होंगे। मैं एग्री करता हूं आरजू जी के साथ कि यहां पर जिस तरीके से दुकानें खुली हुई है ना हमारे उलमाए कराम की, तो हमारे चार बड़े मकतबाए फिक्र हैं जिसको हम मसलक बोलते हैं, जिसमें बरेलवी हैं, देवबंद हैं, अहले हदीस हैं और अहले तशी, ये चार बड़े मकतबाए फिक्र हैं। और ये जाकिर नायक जिस मकतबाए फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं उसको अहले हदीस कहते हैं, उनकी तादाद पाकिस्तान में बहुत कम है। अहले हदीस सबसे कम जो तादाद है वो अहले हदीस की, सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो बरेलवियों की है, जो अहले सुन्नत जिनको बोलते हैं। तो बरेलवी अहले हदीस को अच्छा नहीं समझते, इनको ये पहले ही गुस्ताख समझते हैं कि इनको ये कहा जाता है कि ये गुस्ताख है, जिनके ऊपर फतवे भी लग सकते हैं और लगते भी हैं। और इनके ऊपर, जाकिर नायक के ऊपर कुछ एक वीडियो भी वायरल पाकिस्तान के अंदर हुई हुई है जिसके अंदर ये यजीद के बारे में बयान दे रहे हैं कि यजीद जो है वो रजी अल्लाह ताला अनहो, इन्होंने उनके बारे में कहा है। रजी अल्लाह ताला अनहो सिर्फ जो हमारे नबी के सहाबी थे उनको कहा जाता था। तो जो यजीद जिसने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया था, ये उनके लिए नरम गोशा रखते हैं। उसकी वजह से जो हमारे बरेलवी हजरात हैं वो नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान में आए, और इनके खिलाफ जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही थी और बात हो रही थी। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई जगह फिल करने आए, जगह पहले ही हमारे पास तो एक्स्ट्रा है। हम तो अगर आपको कुछ चाहिए या अफगानिस्तान को चाहिए या पूरी दुनिया को अगर कुछ मौलवी चाहिए तो हम उनको भी भेज सकते हैं, हमारे पास तो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं यहाँ पर मौलवी बनाने की। तो हमारे पास तो अपने हम खुद कफील हैं, दुनिया की शायद ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर मौलवी बनाने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपको अगर जरूरत है। मैं तो कह रही थी ना ये रिफिल करने आए हैं, ये हमें कुछ देने नहीं आए, ये हमसे रिफिल करने आए हैं, जहर रिफिल करेंगे वापस जाके फिर कहीं जाके जहर फैलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो दूसरी रह गई बात कि आपने जैसे बात की कि ये मलेशिया के अंदर वहां पर मौजूद हैं, तो सिर्फ मलेशिया ने इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, जैसे इंडिया ने इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, इसी तरीके से बांग्लादेश ने इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, इसी तरीके से इंग्लैंड में इनके ऊपर पाबंदी है, कनाडा में इनके ऊपर पाबंदी है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो पीस टीवी है उसके ऊपर पाबंदी है। वजह यही है कि इनके जो ख्यालात हैं, जिस तरीके से ये जहाद के बारे में ओपनली डिस्कस करते हैं या लोगों को उभारते हैं कि जहाद होना चाहिए, या जो एक नफरत जो इनके जो स्पीच होती है उसके अंदर होती है कि दूसरा जो मजहब है, कोई भी मजहब है, हिंदुइज्म है या बाकी भी मजहब है, उनके खिलाफ एक जो तासुर ये देखने में मिलता है कि वो हमसे कम है, सिर्फ इस्लाम ही सुपीरियर है, उस वजह से जो एक नफरत जो पैदा होती है या चीज़ें जो है वो उभर के सामने आती है कि आम जो मुसलमान है वो उसके दिल में ये ख्याल होता है कि यार
हम ही सबसे अफजल हैं और ये बाकी कुछ भी नहीं है, तो ये बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहना कि ये पाकिस्तान के ऊपर कोई असर डाल देगा या पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ी ये तब्दीली ला देगा या किसी की जगह ले लेगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। बात आरजू जी की बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ हम इंडिया के खिलाफ कुछ इससे स्टेटमेंट लेने की पाकिस्तानी कोशिश करेंगे कि ये कोई बयान दे यहाँ पर बैठ के कि जी भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है, देखें मेरे साथ उन्होंने कितनी ज्यादतियाँ की हैं, या कोई कश्मीर का जिक्र हो जाएगा और उसको हम हाईलाइट करेंगे। और एक जो मुस्लिम उम्मा का जो पाकिस्तान अपने आप को एक सरबराह बनाने की कोशिश करता है या आपस में कहते हैं कि सारी के सारे मुस्लिम उम्मा जो है वो OIC का प्लेटफॉर्म हो या वैसे एक ही जिस्म की तरह है, तो वो उस चीज़ को ये थोड़ा सा कैश करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पाकिस्तान को बेनिफिट होगा या जो इनको जो है जाकिर नाइक ये पाकिस्तान से कोई बेनिफिट ले सकेंगे। दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना देने की और लेने की पोजीशन में है, तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो जो पाकिस्तान के अंदर चीजें इस वक्त चल रही हैं वो जाकिर नाइक उनमें इजाफा मेरे ख्याल में नहीं कर सकता, हम पहले ही काफी ज्यादा उसमें खुद को फील। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये जबरदस्त डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।